हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ठीक है, आज का वीडियो जो है ये उन लोगों के लिए है जो कि राइटर बनना चाहते हैं, आप लेखक बनना चाहते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता, इसको लेकर क्लैरिटी नहीं है कि किस प्रकार से अपनी राइटिंग जर्नी की शुरुआत करें। और यहाँ पर मैं वीडियो बनाने से पहले ही एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जब मैं राइटर शब्द का इस्तेमाल करती हूँ, लेखक शब्द का, तो लेखक से मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप कोई बहुत बड़े बड़ी साहित्यिक रचनाएं लिखना चाहते हैं या फिर आप सिर्फ एक बहुत बड़े कवि बनना चाहते हैं। आजकल के समय में लेखन की फील्ड में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। आप कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं, आप ब्लॉग राइटिंग कर सकते हैं, तमाम तरीके की राइटिंग अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं लेखन की फील्ड में, एक कॉलेज ग्रेजुएट से लेकर एक बहुत एक्सपीरियंस्ड लेखक के पास। तो ये बात जहन में रख के मैं आपको तीन बहुत ही सिंपल, बेसिक लेकिन बेहद असरदार टिप्स दे रही हूँ आज के वीडियो में, जो कि आपके लेखन के हुनर को निखारने में आपकी मदद करेगी और शुरुआती दौर में आपको मोटिवेट करेगी कि किस प्रकार से आप अपनी राइटिंग स्किल को आगे बढ़ाएं और एक अच्छे लेखक बनने की तरफ अग्रसर हो आपके कदम। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिए वीडियो और कमेंट करिए उस पर जरूर कि किस प्रकार से ये टिप्स आपको हेल्पफुल साबित हुई, और शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच में वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आए। तो शुरुआत करते हैं आज के वीडियो से। तो अगर आप लेखक बनना चाहते हैं, सबसे पहली टिप कि आप नियमित रूप से आदत डाल लीजिए अपनी कि आपको नियमित रूप से अखबार पढ़ना है, समाचार पत्र, न्यूज़पेपर जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, रोज आपको कोई ना कोई अखबार पढ़ना है, चाहे वो आप जिस किसी भी भाषा में लिखना चाहते हैं, अंग्रेजी में या हिंदी में, उससे जुड़े आप एक दो समाचार पत्र रोज पढ़िए, अपनी आदत डाल लीजिए। अब आप कहेंगे कि अखबार तो उनके लिए ज्यादा जरूरी होता है पढ़ना जो कि आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठ रहे हैं, क्योंकि अखबार पढ़ने से तो करंट अफेयर्स की नॉलेज बढ़ती है। करंट अफेयर्स अखबार का एक पार्ट होता है, लेकिन उसके अलावा कितनी सारी स्टोरीज आती हैं अखबार में रोज, सोशल इश्यूज से रिलेटेड, आर्ट, कल्चर और तमाम तरीके के इश्यूज से रिलेटेड। तो अखबार पढ़ने से आपकी जो क्रिएटिविटी है, जो रचनात्मक पावर है, वो भी बढ़ती है, क्योंकि आप अलग अलग टाइप की स्टोरीज देखते हैं और फिर अलग अलग जनरल टॉपिक्स पे जब आपको कुछ लिखना होता है, क्योंकि अगर आप आगे कहीं कंटेंट राइटिंग या कुछ भी करेंगे, ब्लॉग्स भी लिखेंगे, तो जनरल टॉपिक्स पर ही तो आपको काम मिलेगा। तो जो जनरल टॉपिक्स हैं उसमें अगर आप रोज अखबार पढ़ेंगे तो आपकी उन जनरल टॉपिक्स पर लिखने के लिए भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और जनरल नॉलेज की जरूरत, न्यूज अफेयर्स की जरूरत नॉर्मल राइटिंग में भी बहुत होती है, क्योंकि किसी भी प्रकार की राइटिंग ले लीजिए, कंटेंट राइटिंग ले लीजिए, आजकल न्यूज और करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हर प्रकार की राइटिंग में जो है आते हैं, तो अखबार पढ़ना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात कि अगर आप उसकी लैंग्वेज पर ध्यान देंगे किस प्रकार से लिखेंगे, तो आप देखेंगे कि अखबार में, अखबार की जो राइटिंग होती है वो एक प्रकार की बेस्ट राइटिंग होती है, बहुत ही सिंपल सेंटेंसेस यूज होते हैं, और जो जो भी लैंग्वेज में, जिस किसी भी लैंग्वेज में आप पढ़ रहे हैं, लिखना चाहते हैं, उसमें जो लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं उस वो आपको अखबार की लैंग्वेज में देखने को मिल जाएंगे, तो आपकी वोकैबुलरी बढ़ने में भी, बढ़ाने में भी ये मददगार साबित होगा। तो ये बात बिल्कुल लिख के रख लीजिए कि आपको रोज एक ना एक अखबार तो जरूर पढ़ना है, और इससे आपकी राइटिंग स्किल्स में जरूर निखार आएगा अगर आप एक साल तक रोज न्यूज़पेपर पढ़ के देखिए, और अगर मेरी बात नहीं सच हो तो बताइए। तो ये थी पहली टिप। अब दूसरी टिप कि आपको अपने आप को चैलेंज देना है कि रोज मुझे वो अपने हिसाब से कि आप जितना कर सकते हैं, एक मिनिमम टारगेट रख लीजिए, 3 वर्ड्स या फिर 5 वर्ड्स, रोज मुझे 3 वर्ड्स जो हैं, 3 वर्ड्स लेके चलते हैं, रोज मुझे नए 3 शब्द सीखने हैं, और ये नए 3 शब्द आपको कहीं भी मिल जाएंगे, अखबार पढ़ेंगे उसमें आपको कई बार ऐसे शब्द मिल जाएंगे जो आपको, जिनका मीनिंग नहीं पता, तो फिर डिक्शनरी से उनका मीनिंग देखना है, आजकल तो ऑनलाइन डिक्शनरीज भी बहुत है, और 3 आपको रोज नए शब्द सीखने हैं, ये अपना टारगेट बना के रख लीजिए, और आप यकीन नहीं मानेंगे कि इससे 1-2 महीने में आपकी वोकैबुलरी इतनी बढ़ जाएगी, उसमें इतना इजाफा हो जाएगा, तो राइटिंग स्किल में तो निखार आएगा ही, क्योंकि एक अच्छा राइटर बनने की राह में सबसे बड़ा रोड़ा ये आता है कि हम को शब्द नहीं मिलते, हमारी वोकैबुलरी इतनी अच्छी नहीं होती, हम बहुत सारी बातें कहना चाहते हैं लेकिन हमारे पास वोकैबुलरी नहीं होती, शब्दकोश नहीं होता। तो रोज नए 3 शब्द सीखिए, और यकीन मानिए कि ये आपको बहुत मदद करेगा आपकी राइटिंग जर्नी में। अब सबसे तीसरा टिप और आखिरी टिप, जो कि सबसे इंटरेस्टिंग टिप है, और क्योंकि मैं जर्नलिस्ट हूं तो ये टिप मुझे लगता है कि इस टिप के प्रति मैं बायस्ड हूं, लेकिन आई थिंक ये बहुत यूजफुल होता है सभी के लिए जो राइटर्स बनना चाहते हैं, कि आप एक आदत बना लीजिए कि मान लीजिए आप कोई इवेंट अटेंड करने गए, कोई भी किसी भी प्रकार का इवेंट, आपने कोई कल्चरल प्रोग्राम अटेंड किया या फिर कोई आर्ट फेस्टिवल, आर्ट एग्जीबिशन अटेंड किया, या फिर कोई जिसको कहते हैं फ्लावर शो, कोई किसी प्रकार का मेला ही, आपने सार्वजनिक फंक्शन ही अटेंड किया जो कि
गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज करा, किसी ने भी ऑर्गेनाइज करा, किसी भी प्रकार का इवेंट आपने अटेंड किया, तो उसके बाद जब आप वहां से वापस लौटे तो वहां पे पहले तो आप चीजें ऑब्जर्व कीजिए, अपने साथ नोट्स भी रख सकते हैं, ले सकते हैं। तो आप अपने आप को चैलेंज कीजिए कि अपने आप को समय सीमा में बांधिए पहले तो, कि आपको एक दिन के अंदर या दो दिन के अंदर उस इवेंट के बारे में लिखना है कि वहां पर क्या क्या हुआ। और जॉनर की अभी कोई वो नहीं है, अपने ऊपर जॉनर के बंधन मत डालिए कि आपको रिपोर्ट लिखनी है या किस प्रकार से लिखना है, नैरेटिव लिखना है, क्या लिखना है। आपको बस लिखना है उस इवेंट के बारे में, आपने जो वहां पे देखा, महसूस किया, जो आपको लगा, कुछ भी हो सकता है। तो इससे आपकी, यकीन मानिए, आपकी राइटिंग स्किल्स में दो दुनी रात चौगुनी तरक्की होगी और बहुत ही जिसे कहते हैं आपकी स्पॉन्टेनिटी डेवलप होगी राइटिंग स्किल्स में। स्पॉन्टेनियस होना, बहुत स्पॉन्टेनियस होना मतलब अचानक से, जल्दी से, बिना बहुत सारा समय लिए जो लिखने की कला है और जल्दी सोच के लिखने की कला है, वो राइटिंग के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि आप कहीं भी आगे अगर राइटिंग में प्रोफेशनली भी जाएंगे तो आपको जल्दी जल्दी टॉपिक्स दिए जाएंगे, आपको जल्दी से सोच के आप उनको लिखना। अगर आपने कभी स्पीच राइटिंग में पार्टिसिपेट किया होगा स्कूल में या कॉलेज में, तो आपको स्पॉन्टेनियस स्पीकिंग के बारे में मालूम है, लेकिन राइटिंग में भी स्पॉन्टेनिटी बेहद जरूरी है। तो ये जो जर्नलिस्टिक राइटिंग है, ये आपकी स्पॉन्टेनियस राइटिंग स्किल्स आपको देती है और इसमें निखार लाती है। अब जाहिर सी बात है कि इस समय तो कोविड के समय ऑफलाइन इवेंट्स नहीं हो रहे, लेकिन बहुत जल्दी शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इस समय कहीं बाहर नहीं भी जा पा रहे इवेंट्स अटेंड करने, तो आपने एक फर्ज कीजिए नई मूवी ही देखी है, उस मूवी का रिव्यू लिख डालिए, किताब पढ़िए, उस किताब को रिव्यू करने की कोशिश कीजिए। या फिर अगर आप ऑनलाइन ही कुछ इवेंट देख रहे हैं, बहुत सारे इवेंट्स लोग आजकल ऑनलाइन भी कोई टॉक अटेंड करते हैं, कुछ करते हैं, तो उसके बारे में कुछ लिखने की कोशिश कीजिए। ये एक फन एक्सरसाइज होती है, क्योंकि इससे ये एक प्रकार से आप अपने आप को होमवर्क टाइप कर दे रहे, टास्क टाइप कर दे, तो ये एक वो बोरिंग सी चीज नहीं लगती इसमें कि बस बैठे हैं और कुछ भी लिखना है। तो ये एक आपके माइंड को भी चैलेंज करती है और साथ में, जैसे कि मैंने कहा, कि स्पॉन्टेनियस राइटिंग स्किल आपको देती है, जो कि आज के समय में बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, ये तीन टिप्स थी मेरे पास आज, बेसिक राइटिंग स्किल्स के लिए, कि आप किस प्रकार से अपने लेखन की कला में हुनर ला सकते हैं, उसको आगे बढ़ा सकते हैं। और ये बिगिनर्स के लिए टिप्स हैं, और आई होप आप इनसे इंस्पायर होंगे, आपको कुछ गेन हुआ होगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, उस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, बहुत जल्द फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।